हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं टिकट टैक टॉक वीडियो। तो दोस्तों, क्या आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे VW और स्कोडा की जो लेटेस्ट BS6 गाड़ियाँ हैं उनके बारे में, और वो जो गाड़ियाँ हैं उनके MID मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले जो होता है दोस्तों, उसके अंदर मुझे एक इशू मिला है जिसको लेकर मैंने जनरल मैनेजर को, CRM को, जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर होता है उनको, जो सर्विस मैनेजर होता है उनको फीडबैक और कंप्लेन ऑलरेडी डाल दी है। उन्होंने जो है एक हफ्ते का टाइम मुझसे मांगा है। उसके बाद में मैं उनको जो है एक फॉक्सवैगन को एक मेल भी लिखने वाला हूँ, फॉक्सवैगन इंडिया को, अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं करते या मुझे कोई अपडेट नहीं देते। वो जो इशू है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पुरानी बोलो में नहीं होता था, ये जो सिर्फ BS6 मॉडल्स हैं उन्हीं के अंदर है, और आप भी मुझे बताना आपको ये इशू आता है या नहीं आता। जो दोस्तों, मैं आपको एक MID का जो है बताता हूँ कि यहाँ जो MID है, जैसे ही आप AT के ऊपर जाते हैं वो लॉक हो जाती है, और MID जो है आप उसे फिर यूज़ नहीं कर पाते। मैं पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप उसे देखिए और फिर बताइएगा वो इशू आपको भी आता है या नहीं आता कमेंट सेक्शन में। VW और स्कोडा की जितनी भी 2021 की गाड़ियाँ हैं सब में MID लॉक इशू है। देखेंगे आप यहाँ पे AT के ऊपर जाते ही MID लॉक हो चुकी है। अब AT के अलावा ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, एक वार्निंग साइन दिखाएगा ना। आप फ्यूल चेक कर सकते हैं, इकोनॉमी, रेंज वगैरह आप कुछ भी चेक नहीं कर सकते। इवन अगर आप MID के बटन्स को यूज़ करते हैं तो वो कुछ नहीं दिखाएगा जब तक आप AT के नीचे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे मैं MID के बटन दबा रहा हूँ, उसके अप एंड डाउन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये लॉक इशू बहुत ख़राब है और मैंने इसके लिए कंप्लेंट रेज करी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉर्मल MID होता है उसमें आप किलोमीटर पर आर आपका कितनी जो एवरेज स्पीड है, उसी के साथ में आपका टोटल डिस्टेंस कितना आपने रन किया है, आपकी जो गाड़ी है वो इस पेट्रोल में जो रेंज है वो कितनी है, कितना ड्राइव कर सकती है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, फ्यूल इकोनॉमी का टोटल एवरेज कितना है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ में आप गाड़ी का टेम्परेचर देख सकते हैं, बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं, और आप एक वार्निंग यहाँ पे जो है वो भी सेट कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड लिमिट भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको जो है रीसेट कर रखा है स्पीड लिमिट को, और उसके बाद में भी वो जो वार्निंग है वो आती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर वार्निंग है उसका यहाँ पे मुझे इशू लगा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो जो इशू है MID का वो कैसा है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि अगर आप 80 की स्पीड से जाते हो, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो ये कहते हैं कि अगर आप 80 के ऊपर अपनी स्पीड लेके जाते हैं तो आपको सिंगल बीप आएगी, और 120 के ऊपर लेके जाते हैं गाड़ी को तो आपकी रेगुलर बीप आएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल स्पीड है लगभग मेन हाईवेज पे वो 120 तक ही है। उससे अच्छा जो है ऑफिशियल स्पीड है नहीं ऑन रोड, जो आपका नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसी की वजह से उन्होंने 80 पे लॉक कर दिया। अगर उन्हें लॉक करना है तो उसको 120 पे दिखाना चाहिए एज ए वार्निंग साइन कि आप 120 से तेज जा रहे हैं और मे बी ये लीगल स्पीड नहीं हो सकती जिस रोड पे आप चला रहे हैं उस वजह से। बट आप जो इंडिया के हाईवे हैं, जो हरियाणा के हाईवेज हैं या GT रोड है आपका, वहाँ पे आपका 100 और 90 जो है लीगल स्पीड है दोस्तों। तो आप अगर 90 और 100 पे चला रहे हैं और कॉन्स्टेंटली, जो कि आपको पता है इंडिया में सब लोग चलाते हैं 90 100 पे अपनी गाड़ी को, उस पे आप गाड़ी के एवरेज भी नहीं देख सकते। मेरा जो है टॉप मॉडल है, इसके अंदर मैं जो है 100 पे 90 पे क्रूज कंट्रोल पे लेके हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ। इवन उस टाइम वो मुझे सिर्फ 80 की वार्निंग दिखाता रहता है ना, मैं चेक कर सकता हूँ मेरी गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, इस पेट्रोल में मैं कितनी रेंज जो है बची है, वो कुछ भी शो नहीं करता है। तो वो जो MID है वो यूजलेस हो जाती है दोस्तों। फॉक्सवैगन की MID काफ़ी अच्छी आती थी। मेरे पास इससे पहले जो है BS4 वर्जन पोलो का जो है TDI वर्जन था, 1.5 लीटर कंफर्ट लाइन, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं था, उसकी MID फुली फंक्शनल होती, चाहे 120 पे हो, चाहे उससे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। लेकिन जो BS6 वर्जन है उसके अंदर वो बंद हो जाता है दोस्तों, जो एक काफ़ी यूजलेस चीज़ हो जाती है उस MID के लिए। इसको लेकर मैंने बहुत सारी जगह कंप्लेंट डाली है, और आप बताइएगा आपकी अगर BS6 पोलो है, वेंटो है, स्कोडा है, या फॉक्सवैगन स्कोडा की और भी कोई गाड़ियाँ हैं, उसमें भी अगर आपको ये इशू आता है MID के अंदर, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, और मैं एक ट्वीट भी करूंगा, उसका मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा ताकि हम फॉक्सवैगन और स्कोडा को ट्वीट कर सके। बट मैंने जो एक हफ्ते का टाइम मांगा है अभी मेरे जो CRM मैनेजर है फॉक्सवैगन वगैरह के, उन्होंने मांगा है तो मैं उनको दिया है, उसके बाद हम देखते हैं। और अगर आपको उससे इशू नहीं है तो भी आप बताइएगा। मुझे इशू आता है क्योंकि मैं हाईवे रनिंग बहुत ज़्यादा है मेरी, हाईवे पे मैं 80-90 चलता हूँ और मैं अपनी गाड़ी का एवरेज भी नहीं देख पाता कि मैं किस स्पीड पे क्या एवरेज दे रही है। तो मुझे दोस्तों ये बहुत अटपटी चीज़ लगी यहाँ पे। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फॉक्सवैगन पोलो TSI हाईलाइन के बारे में या पोलो के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये हाईवे पे सिटी में कितना एवरेज देती है, सारी जानकारी आपको वीडियो के नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं।